तो फरवा, अगर बात की जाए ईद की, तो बच्चों का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट दिन होता है वो ईद होता है। उसकी वजह क्या बिल्कुल, है? उसकी वजह ये है कि पूरा साल बच्चे इसी इंतजार में रहते हैं अबू सर कि उनको ईदी मिलेगी। अब आप और मैं तो इस एज से बाहर चले गए हैं क्योंकि आपको भी जी देनी है और बिल्कुल, अब मुझे भी देनी है। लेकिन आपको बताएं नाजरीन कि मीठी ईद के इस मौके पर बच्चे ईदी के हवाले से काफी बिल्कुल। पुरजोश दिखाई देते हैं। तो इस पर हमारे नुमाइंदे बताएंगे, हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों की ईद जो है वो क्यों जरूरी है? हबीब खान हमारे साथ हैं, हबीब बताएगा बच्चों का पसंदीदा दिन आ चुका। ईद उल फितर पे जो जितना इंतजार, जिस शिद्दत का इंतजार बच्चों को होता है, इसका ऐसा ही शिद्दत और ऐसा इंतजार किसी को नहीं होता। और इंतजार क्यों भी ना हो, बच्चों का कहना ये है कि ईद उल फितर तो होती ही बच्चों के लिए। बच्चों का कहना ये है कि ईद उल फितर के मौके पर अपने मम्मा पापा, दादा दादी, नाना नानी से ईदी वसूल करते हैं और अच्छी खासी ईदी वसूल करते हैं। ईदी वसूल करने के साथ साथ बच्चों का कहना ये है कि हम शाम के औकात में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, झूले झूलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसके अलावा बच्चों का कहना ये है कि ईद उल फितर के मौके पर अगर ईदी लेने की बारी आती है और हमें बड़ों को जब सताते हैं और ईदी मांगने का जो मज़ा आता है, उसका मज़ा ही।